उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार तड़के एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 13 मजदूरों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आग की वजहों का पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद के शहीद नगर में जैकेट बनाने वाली 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई, जिसके कारण वहां सो रहे 13 लोगों की मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान फैक्ट्री में कुल 16 कर्मचारी काम कर रहे थे। मृतकों में से ज्यादातर बुलंदशहर, बरेली और मुरादाबाद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग 4 बजे से लग रही है यहाँ पे, 4:30 बजे लोगों को यहाँ पे पता चला, मगर जब तक 1.5 घंटे तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। फोन करने के बाद में भी 4 बजे फोन कर दिया था, मगर 5:30 बजे उन्होंने बुला करके लेके आए हैं वहाँ से जाके, उसके बाद गाड़ी आनी शुरू हुई यहाँ पर। उसके बाद कोई अधिकारी नहीं रुका, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मौके पे नहीं पहुंच पाई, वो डेट पहुंची है। ऊपर से देखा है सर, 16 आदमी, मेरे पे वीडियो भी है, 16 आदमी यहाँ से मर करके गए। दिखा दूंगा मैं, सर दे दूंगा, मैंने पहले भी बता दिया। इसके अंदर जो मजदूर सो रहे थे काम करने के बाद में, वो इसमें सफोकेट हो गए, उसमें से 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 बच्चे जो थे जो छोटी उम्र के थे वो कूद गए, तो उनके वो बच गए हैं इस समय। और ये जानकारी की जा रही है यहाँ पे किसके द्वारा ये चलाया जा रहा था यहाँ पे और किसका ओनरशिप है, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। 12 लोगों की पुष्टि हुई है, अभी मृत्यु हुई है इसमें। जैसे ही सूचना मिली है, जो घटना बताई जा रही है ये 4:30 से 5 के बीच में है, और जैसे ही जानकारी हुई है तुरंत फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहां से पहुंची हैं और उसके बाद आग पे काबू भी पाया गया। अभी प्राइमा फेसी जो प्राथमिक रूप से जो इन्वेस्टिगेशन किया गया, शॉर्ट सर्किट समझ में आ रहा है, और जो लोग बचे हैं उनसे और जानकारी करने पे और स्पष्ट होगा। डीसी साहब को बोला है कि उनके पर्चे बनाकर जो भी उनको सहायता मिल सकती है वो करें, उसके बाद जो अतिरिक्त कुछ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उसके बारे में बात। जो ये आग लगी थी तो सुबह सुबह का टाइम था, पब्लिक इतनी जल्दी जागती नहीं है, और जिसको पता लगा काफ़ी लोगों ने, यहाँ कॉलोनी के लोगों ने मदद करी, कुछ दीवार तोड़ के भी जो बॉडी थी उनको बाहर निकाला गया, शटर तोड़ा गया और निकलने का कोई रास्ता नहीं था यहाँ से। फायर ब्रिगेड को काफ़ी लोगों ने फ़ोन किए लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं आई यहाँ पे। यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही सामने आई है और इस फैक्ट्री में 13 लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। कैमरा पर्सन आकाश धर के साथ पुष्कर पांडे, एक्सपोज इंडिया।